टाटा बजाज टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीस काउंटिंग मशीन का पैरामीटर सेटिंग और कैलिब्रेशन कैसे होता है। पैरामीटर सेटिंग किस किस पे कौन सा बीपी एफबी एससी ये क्या रखना चाहिए ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको कैलिब्रेशन करके बताने वाला हूँ। ये है मशीन 1010 जिसका पासवर्ड होता है। ज़्यादातर ये महाराष्ट्र में ज़्यादातर देखा जाता है, ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया में है पर ज़्यादातर ये 1010 मदरबोर्ड जिसका पासवर्ड होता है वही पैरामीटर सेटिंग का ये मशीन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये 30 kg का मशीन है। पीस काउंटिंग भी इसमें होता है और प्राइस कंप्यूटिंग भी होता है इसमें। फिलहाल मैं आपको प्राइस कंप्यूटिंग का बता रहा हूँ। पीस काउंटिंग का आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ पर आपको बता दूँगा पीस काउंटिंग का सेटिंग कैसे होता है। अभी ये मशीन को मैं ऑन करता हूँ दोस्तों। देखिए ऑन हेलो लिख के आता है। सब होने के बाद में आपको सब पे 00 दिखेगा। ये देखिए अभी ये मशीन हमारा चालू हो गया। ये वजन है इसका 0 करते हैं। यहाँ पे वायर की वजह से वो दिक्कत आ रहा है। मेरा 1 kg का वजन है। 5 ग्राम का एक्यूरेसी है, इसके लिए प्लस 5 प्लस या माइनस होता रहता है। अभी मैं आपको इसका पैरामीटर सेटिंग बताता हूँ। ये बंद कर दिया मैंने मशीन। इसका जो 3 नंबर का की है, ये 3 नंबर का की को प्रेस करके दबा के रखना है आपको और मशीन को यहाँ से नीचे से बटन से ऑन करना है। यहाँ पे आपको 5 लिख के आएगा। इसका पासवर्ड है दोस्तों 1010। पहले टेयर दबाते हैं। इंटर करने के लिए अपने को टेयर दबाना पड़ेगा। तो इंटर टेयर एक ही बोलते हैं, एक ही चाहिए बटन को। किसी किसी में अलग अलग बटन होता है पर इसमें इंटर और टेयर यही है, टेयर बटन। टेयर किया तो ब्लैंक हो गया। अब इसमें पासवर्ड डालना है। इसका पासवर्ड तो फिलहाल 1010 है। 1010 डाल दिया। इसके बाद टेयर का बटन दबाना है। पैरामीटर लिख के आ गया आपके सामने पैरामीटर। अभी इसके आगे चलते हैं, टेयर बटन दबाते हैं दोस्तों। CS1 है ये। कैपेसिटी सेटिंग करना है आपको कि कैपेसिटी सेटिंग 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। आपको 2 रखना है 2 रख सकते हैं, 3 रखना है 3 रख सकते हैं। मैं फिलहाल 1 रखता हूँ। 30 kg और 5 ग्राम में सेट करके आपको बताता हूँ। वापस आपको टेयर दबाना है। कैपेसिटी 1 लिख के आ गया। इसके बाद वापस टेयर दबाना है। इसमें 30 kg मैंने पहले से रखा हुआ। आपको 10 किलो रखना है तो 10 किलो रख सकते हैं। 30 किलो रखना है तो 30 किलो रख सकते हैं। ये टेयर बटन दबाना है। ACC1 अगर आप सेटिंग 1 जैसे मैंने 1 रखा है, अगर आप 2-3 रखोगे तो ऐसे ACC1-2 ऐसा आएगा। फिलहाल मैंने कैपेसिटी 1 सेलेक्ट किया है तो ACC1। ACC मतलब जो एक्यूरेसी है इसका वो आता है। आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 5 रख सकते हो। फिलहाल 30 किलो में हमारा रेगुलर 5 ग्राम रहता है। ये दोस्तों CS1 में 2-5 रख सकते हैं। उसके बाद टेयर करते हैं। DP3 मतलब ये जो फर्स्ट आपका वजन जिसमें बताता है वो DP13 है। इस 4-3 रहेगा तो 4-0 में चलेगा। आपको कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। टेयर करते हैं। DP41 मतलब आपका ये बीच का डिस्प्ले हो गया। इसमें 1 रखा हुआ है जिसमें रेट बताते हैं। रेट आप कितना डालते हैं, 100, 200, 300 रेट बताते हैं। अभी टेयर दबाएंगे। DP51 इसका रेट जो टोटल करके बताता है प्राइस को, इसका 1 है। आप इस पर मोस्टली 1, अगर प्राइस कंप्यूटिंग मशीन है तो 1-1 ही रखिए, अच्छा रहेगा। वापस टेयर दबाएंगे। Auto 01 अगर आपको कम से कम 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम भी वजन करना है तो 1 रखिए या 1 ही रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये DU 000 है, आपको इसको 30 किलो है तो 00 रखना ही है। अभी मोड आ गया, ये मोड 2 है, आपको अगर प्राइस वाला कांटा चाहिए तो मोड 2 ही रहेगा, ठीक है। वापस चलते हैं DSP 1, मतलब जब भी आपको वजन नहीं होगा तो सेविंग मोड में DSP 1 रहेगा आपका, ये आपको ऐसे ही रखना है, ये भी आपको वैसे ही रखना है। ये आपका मशीन चालू हो गया, अभी 30 kg मेरा 2 ग्राम में मशीन चालू हो गया। अब मुझे इसको कैलिब्रेट करना है, कैलिब्रेट करने के लिए सिंपल से यहाँ से बंद कर दीजिए मशीन। बंद करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा एक कैल होल्ड का ऑप्शन, या फिर अगर सेम मदरबोर्ड होगा तो ऊपर से थर्ड वाला बटन आप यूज़ कर लेना, उस पर भले ही होल्ड या कॉल या ऐसा कुछ भी लिखा हो तो ऊपर से थर्ड वाला आप बटन यूज कर लेना। सेम अगर मदरबोर्ड होगा तो, मतलब 1010 का मदरबोर्ड होगा तो। अभी ये प्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं और कांटे को चालू करते हैं बटन से। यहाँ आपको CAL कैल शो करेगा कैलिब्रेशन करने के लिए। अभी आपको टेयर दबाना है, टेयर दबाने पे लोड आ जाएगा, आपको लोड रख देना है, वापस आपको टेयर दबाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे काउंट आएगा कुछ ऐसा करके, अपने आप जीरो हो जाएगा। अभी ये जीरो हो गया, अभी आपको सेट करना है 1 किलो, 1 3 बार 0, 1 किलो हो गया, 1000 मतलब 1 किलो, और टेयर दबा देना है। ये ओके सेट हो गया आपका। अभी इसमें आपको रेट सेट करने के लिए ज़्यादातर सबको दिक्कत होता है कि हम सर मुझे रेट सेट करना है, तो रेट सेट करने के लिए आपके पास इसमें 999 मेमोरी है, आप मेमोरी में भी सेव कर सकते हो, डायरेक्ट भी सेव करते हो। समझो मुझे ये चीज़ को 150 रुपये किलो देना है। अभी इसमें सिंपल मैं आपको यहाँ क्या करूँगा, 150, ये 15 हुआ, एक बार और 0 कर देना है, ये 150 हो गया। तो 996 का 150 के हिसाब से इतना पैसा होता है, 149.4। अभी अगर इसको हटा लें तो क्लियर दबा देते हैं, हट जाएगा। समझो 230 रखना है तो 230 रख दिए। अभी 230 के हिसाब से 229 इसका प्राइस होता है। ऐसे ही आपको जो भी कुछ रखना है ये ब्लू वाले से आप रख सकते हैं, 200, 300, 350, 400, जितना रखेंगे वेट के हिसाब से यहाँ पे टोटल प्राइस करके देगा। क्लियर करने के लिए आपको ये बटन है, क्लियर हो जाएगा, और डायरेक्ट आपको करने के लिए ये बटन, मेमोरी में करना होगा। उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूँगा, क्योंकि मेमोरी का काम है तो उसके लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।